नमस्कारम, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों लगातार पेरेंट्स का भरोसा कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स पर बढ़ रहा है, आखिर क्यों लगातार बच्चों का पसंदीदा बन रहा है कॉरपोरेट सिस्टम या कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स क्यों लगातार बच्चों की पसंदीदा बन रही है। तो उन्हीं कुछ फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कि पेरेंट्स का लगातार ट्रस्ट कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स पर बढ़ता जा रहा है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स पर पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं इतना भरोसा, आखिर पेरेंट्स क्यों इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कॉरपोरेट वाली सिस्टम वाली कोचिंग्स पर। और नीचे देखिए लिखा हुआ है लोकल कोचिंग्स भी कॉरपोरेट सिस्टम के साथ कार्य करने को अग्रसर, यानी कि जो हमारी लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लोकल कोचिंग्स हैं, वो भी कॉरपोरेट सिस्टम्स के साथ कार्य करने को अग्रसर है, यानी कि कॉरपोरेट सिस्टम को वो भी अपना रही हैं और इस वजह से वो आगे भी कार्य करने को अग्रसर है कॉरपोरेट सिस्टम के साथ। और नीचे देखिए लिखा हुआ है एकदम से नीचे, जब आप देखेंगे, क्योंकि भरोसा बड़ी चीज़ है। मैंने कहा कि आखिर क्यों, ऐसा कौन सा ऐसे फैक्टर है, क्या कारण है जिस वजह से कि कॉरपोरेट सिस्टम पर पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है। तो लिखा है ना कि भरोसा बड़ी चीज़ है, तो वो जो भरोसा है, जो बड़ी चीज़ है, वो किन फैक्टर्स को देख के आ रही है, आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कि भरोसा कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स पर बढ़ रहा है पेरेंट्स का। तो सबसे पहले साथियों, हम ये जानें कि कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स होती क्या है। साथियों, वो कोचिंग या ऐसे संस्थान जिनके ऊपर, जिनको चलाने में उस संस्थान के ऊपर पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, उनका एक प्रशासनिक अमला काम करता है, ऐसे कोचिंग्स को, ऐसे संस्थान को हम उस कॉरपोरेट सिस्टम की कोचिंग्स को कोचिंग मान सकते हैं, जिनमें कि उनका खुद का पूरा एक मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर से लेके मैनेजर, मैनेजर से लेके पूरी उनकी एक चैन होती है सभी स्टाफ की, और पूरा एक सिस्टम जो है के कोऑर्डिनेशन से उस कोचिंग को चलाया जाता है। तो वही होती है कॉरपोरेट सिस्टम्स की कोचिंग। कॉरपोरेट सिस्टम का साफ साफ मतलब ये समझिए, जिस कोचिंग को चलाने के लिए ऊपर पूरा एक बड़ा प्रशासनिक अमला काम करता है और तब उस इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है, रन किया कराया जाता है, वो होती है कॉरपोरेट सिस्टम्स की कोचिंग। यानी कि कोई भी डिसीजन वहाँ के जो स्टाफ हैं वो अकेले नहीं ले सकते हैं, उस डिसीजन को लेने में पूरा एक कॉरपोरेट सिस्टम जो है उनका, पूरा एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करता है, तब कोई डिसीजन लिया जाता है। तो यही है कॉरपोरेट सिस्टम। अब कॉरपोरेट सिस्टम्स की कोचिंग्स क्या होती हैं, आखिर वो कैसे, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन वजहों से कि ट्रस्ट बच्चों का या उनके पेरेंट्स का लगातार बढ़ रहा है कॉरपोरेट सिस्टम पर, उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है दो पॉइंट्स, उन दो फैक्टर्स को हमने यहाँ पे मेन जगह दी है, जो वो दो फैक्टर है साथियों। पहला फैक्टर है, जो पहला बड़ा कारण है वो है फैकल्टी, और दूसरा जो बड़ा कारण है साथियों वो है मैनेजमेंट, जिसकी वजह से ट्रस्ट लोगों का बढ़ रहा है कॉरपोरेट सिस्टम की तरफ। पहली चीज़ साथियों, अगर हम बात करें फैकल्टी की, तो कॉरपोरेट सिस्टम में जो टीचर्स को सेलेक्ट करने का तरीका है, जो उनके सिलेक्शन का तरीका है, वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि कई प्रोसेस को पार करने के बाद वो टीचर उस इंस्टीट्यूट में जुड़ पाता है, यानी कि कह सकते हैं कई फेज के इंटरव्यू या टेस्ट को क्रॉस क्वालिफाई करने के बाद वो उस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन पाता है, और तब वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉरपोरेट सिस्टम के इंस्टीट्यूट में एक अच्छे ज्ञानी और प्रतिभावान शिक्षक की नियुक्ति हो पाती है, यानी कि तब वहाँ पे एक अच्छे माहौल के साथ, एक अच्छे शिक्षक के साथ उस क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। पर अगर हम यही बात करें नॉन कॉरपोरेट सिस्टम की, तो नॉन कॉरपोरेट सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी टीचर जो जिसको लगता है कि उसे पढ़ाना बोलना कुछ भी आता है, वो अपना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जो नॉन कॉरपोरेट सिस्टम होता है उनकी, उन टीचर्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है, तो इस वजह से उन्हें एक प्रकार की फ्रीडम रहती है, एक आज़ादी रहती है कुछ भी बोलने की, कुछ भी कर जाने की। आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के टीचर्स देखे होंगे जिनका पढ़ाने का, बोलने का लहजा ऐसा है जो कि शायद आप पसंद ना करते हों। तो ठीक ऐसे ही वो टीचर्स हैं जो क्या करते हैं कि आपको जब पढ़ाते हैं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है, पहले तो कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो
सही हो जाए, ठीक हो जाए, जो सलीका है वो सही हो जाए, लहजा सुधर जाए। पर आगे जब आप उनके एडमिशन लेते हैं, जब उनसे आप पढ़ते हैं, तो क्योंकि कोई उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई प्रशासनिक अमला काम नहीं करता, तो एक फ्रीडम रहती है कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की। और जिस वजह से आप देखेंगे कि कुछ वैसे असभ्य तरीका होता है उनका पढ़ाने का, असभ्य मजाक करने का, और धीरे धीरे आगे चल के यही उनका तरीका उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। और किसी भी टॉपिक को पढ़ाते वक्त वो ऐसे असभ्य लहजे का, असभ्य मजाक का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से कि आपको अच्छा वो तरीका नहीं लगता है। या कह सकते हैं किसी भी सामान्य व्यक्ति को जो कि एक डॉक्टर बनके, एक चिकित्सक बनके इस भारत भूमि की सेवा करना चाहता है, वो पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है और एक सभ्य समाज की स्थापना करना चाहता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता है, एक डॉक्टर बन के, एक चिकित्सक बन के भारत भूमि पे, वो ये लाइक नहीं करेगा, वो पसंद नहीं करेगा। तो एक बड़ा कारण आप कह सकते हैं, इसी वजह से पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं बन पाता है नॉन कॉर्पोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स पर, और पेरेंट और जो बच्चे होते हैं वो भी नहीं लाइक करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो अपशब्द, अभद्र टिप्पणियां होती, मजाक होते हैं, जो सलीका है पढ़ाने का, लहजा है बात करने का, ये कतई ठीक नहीं है अच्छे बच्चों के लिए। हाँ, जिन्हें सिर्फ फन चाहिए वो बहुत लाइक करते हैं, बहुत आनंद के साथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ पढ़ाई करते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से वो ताली भी बजाते हैं, क्लैपिंग भी करते हैं, जो काफ़ी अच्छा माहौल बनाता है नॉन कॉर्पोरेट सिस्टम्स की, उन क्लासरूम्स का। पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो सही नहीं है, और पढ़ने वाले बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, आपको पता होगा। तो इसी वजह से जो ट्रस्ट है पेरेंट्स का वो नॉन कॉर्पोरेट में नहीं है और कॉर्पोरेट सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब साथियों बात करेंगे हम अपने दूसरे फैक्टर्स की, जो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, जहां पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है वही होता है कॉर्पोरेट सिस्टम। अब मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले साथियों हम उन दो बातों को ध्यान में रखेंगे। वो जो दो बातें हैं वो ये हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो वो दो बातें जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें पहली है काउंसलिंग। क्या है साथियों? काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये होता है जहाँ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में, कॉर्पोरेट सिस्टम वाले इंस्टीट्यूट में पूरा इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम होता है, पूरा एक पैनल होता है जो बच्चों को एक काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग देता है कि आखिर उन्हें अपने बेहतर भविष्य का निर्माण किस तरह से करना चाहिए, उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से उन्हें अपने जीवन के नए आयामों की तरफ बढ़ना चाहिए, ये उन्हें काउंसलिंग प्रॉपर दी जाती है एक कॉर्पोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स के यहाँ। एक कॉर्पोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स में आपको ये काउंसलिंग मिलती है जो आपके लिए, भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अब साथियों बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है डाउट सॉल्विंग काउंटर्स। डाउट सॉल्विंग काउंटर्स का मतलब ये होता है साथियों, जितने भी कॉर्पोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स हैं वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये यूनिक फीचर होता है, वो ये है कि जैसे कि आपने टीचर से क्लास में पढ़ा, टीचर से बच्चे को अपने क्लास में पढ़ा, और मान लीजिए उसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। अब मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया और टीचर के लगातार दूसरे बैच और हैं, अब वहाँ पे उस कॉर्पोरेट सिस्टम वाली कोचिंग में क्या होता है कि उस सब्जेक्ट की कई एसोसिएट फैकल्टी होती हैं जो उस इंस्टीट्यूट में बने अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी डाउट सॉल्विंग काउंटर्स होते हैं वहाँ पे वो अवेलेबल होती हैं, जो आपकी हर प्रॉब्लम का, यानी कि स्टूडेंट्स की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब्जेक्ट से, टॉपिक से जो भी है वो उन्हें देती हैं। तो ये दोनों फीचर स्टूडेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपको हमने मैनेजमेंट में दो फीचर बताए जो स्टूडेंट्स के फायदे की बात है। अब बात करेंगे साथियों उन दो फीचर्स की जो पेरेंट्स के लिए फायदेमंद है। इमेजिन कीजिए साथियों, आपके पेरेंट्स आए और आपका एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में करा दिया। अब इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने के बाद होता क्या है कि हम लगातार जो क्लासेस होती हैं, मान लीजिए बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, तो वो क्या करता है कि कोचिंग में बंक मारने लगता है, नहीं जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच एक अच्छा कन्वर्सेशन, एक संवाद ना होने की वजह से, एक संपर्क ना हो पाने की वजह से क्या होता है कि बच्चे और इंस्टीट्यूट तक ही वो चीज़ें सिमट के रह जाती हैं, पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। और पेरेंट्स जो फ़ोन करता है वो करता है किसको? अपने बच्चे को। पूछता है कि गए थे कोचिंग कि नहीं गए थे, इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ाई कर रही। तो बच्चा कभी ये नहीं कहेगा कि हम नहीं गए थे या नहीं पढ़ रहे, वो कहेगा हाँ गए थे, ये है, सही है, सही से चल रहा है, जो कि एक बड़ा कारण है, एक बड़ा फेलियर है लोगों के फेल होने का,
आखिर इस नीट के एग्जाम में क्यों ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कॉरपोरेट सिस्टम की कोचिंग है, वहाँ पे जो एक अच्छा फीचर है वो ये है कि आपको डिजिटल अटेंडेंस कार्ड मिलता है, और डिजिटल अटेंडेंस कार्ड में जो आपकी अटेंडेंस का स्टेटस है, अगर आप आए हैं तो भी, नहीं आए हैं तो भी, दोनों कंडीशंस आपके पेरेंट्स के फ़ोन पे मैसेज की जाती हैं, मैसेज के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं, जिससे कि आपके पेरेंट्स दूर बैठे हुए, आपसे दूर बैठे हुए आपके गार्जियन आप पे एक नज़र रख सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि आखिर आप कोचिंग गए थे कि नहीं गए थे, और आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या उपयुक्त कारण है आपके पास, आखिर आप क्यों नहीं गए थे कोचिंग करने या क्लास में पढ़ने। तो ये जो है ये आपसे इंस्टीट्यूट भी पूछ सकता है और आपके पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से ये जितने पेरेंट्स हैं उनका के लिए काफ़ी बेहद पसंदीदा विषय है कि वो घर बैठे अपने बच्चे की क्या स्थिति है ये जान सकते हैं। अब साथियों बात करें दूसरी, हमने आपको बताया कि जिस तरह कॉरपोरेट सिस्टम में इतने प्रकार के, मतलब कह सकते हैं मैनेजमेंट होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह साथियों कॉरपोरेट सिस्टम की अपनी खुद की एक टेस्ट सीरीज होती है, और टेस्ट सीरीज में वही टॉपिक्स आते हैं जो कि क्लास में टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, या वही टॉपिक्स या वही चैप्टर्स आते हैं या वही यूनिट आती है। अब साथियों जो टेस्ट सीरीज होती है, जो टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जितनी नॉन कॉर्पोरेट सिस्टम की कोचिंग है वहाँ पे आपका जो रिजल्ट आता है वो आपको दिखा दिया जाता है, या तो चस्पा कर दिया जाएगा, डिस्प्ले में लगा दिया जाएगा, या आपके फ़ोन में मैसेज के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। पर कॉर्पोरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका टेस्ट का जो परफॉर्मेंस होता है, रिजल्ट जो आता है, वो आपके पेरेंट्स के फ़ोन तक भी पहुँचाया जाता है, जो ये भी बहुत अच्छा फीचर है कॉर्पोरेट सिस्टम का कि बच्चे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेरेंट्स दूर से उनकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि आखिर हमारे बच्चे ने टेस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, अच्छा रिजल्ट आया है या बुरा आया है, वो दोनों स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। और इस वजह से ये भी एक बेहद पसंदीदा फीचर है उन पेरेंट्स के लिए। तो साथियों ये दो फैक्टर्स हैं, पहला फैकल्टी, दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने चार सब फीचर बताए, पहला काउंसलिंग, दूसरा डाउट सॉल्विंग काउंटर जो बच्चों के लिए है, और साथ ही दो पेरेंट्स का जो पसंदीदा फीचर्स है, अटेंडेंस कार्ड या अटेंडेंस स्टेटस और टेस्ट के रिजल्ट का जो स्थिति है। तो ये वो दो फैक्टर्स हैं जिन वजह से कि आजकल कॉरपोरेट सिस्टम्स पर पेरेंट्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, कॉरपोरेट सिस्टम वाली कोचिंग्स पर पेरेंट्स का भरोसा बढ़ रहा है, और बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी लाइक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी बेहद अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के अपने इस अंक का हम करेंगे समापन ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इन्हीं ध्येय वाक्यों के साथ कि भरोसा आपका व संकल्प हमारा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।